पहुंच चुके हैं, अब हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल की तरफ। -3 कैसे लगा गिर के? हाय, तो अभी पैकिंग डन है। पीछे वो जैसे आप देख सकते हैं ट्रैवलर पैक हो रहा है, वहाँ पे हमने सामान रख दिया है। एंड यहाँ से एक घंटा अप्रॉक्सीमेटली देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बरसाना या बरसोना, एग्जैक्टली नहीं पता, वहाँ तक ये गाड़ी जाएगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम ऑल्टो और टाटा सुमो में शिफ्ट हो जाएंगे, वो तोश वैली के लिए जो ट्रैक शुरू होगा वहाँ तक जाने के लिए। सो नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 19-20 में तो ट्रैक था ही नहीं, किया ही नहीं है। ये 21 का पहला 3 साल में फर्स्ट ट्रैकिंग हो रही है एंड आई एम एक्साइटेड इस चीज़ को लेके। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं मैंने बताया था आपको कि वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की इशू होने वाली है। सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। आर यू एक्साइटेड श्वेता? या, वेरी एक्साइटेड। एंड पता नहीं अब लोग चढ़ने कैसे वाले हैं, क्योंकि ये पहाड़ तो दिख रहे हैं, ऐसी कोई एक पहाड़ है जहाँ पे हमें ऊपर चढ़ के जाना है। सो लेट्स सी स्टैमिना कितना साथ देगा। सुबह सुबह हमने फाड़ के ब्रेकफास्ट कर लिया है सो दैट की एनर्जी बनी रहे। बरसाना पहुंच चुके हैं, अबाउट 1 घंटे हमें आने में लगे और पीछे कुछ व्यू ऐसा है आपको, स्नो कवर्ड माउंटेन दिख रहे होंगे। यहाँ से मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है तोश विलेज की तरफ जाना है। क्या हो गया श्वेता? यार, दिस इज सो गुड। इतने पास से पहाड़ में बर्फ मैं पहली बार देख रहा हूँ, इट्स अ अमेजिंग फीलिंग टू बी ऑनेस्ट। तोश, खीर गंगा और फुलगा डैम, तोश और खीर गंगा के लिए जो ट्रैक है ना वो इधर से होते हैं, तो हमें अभी इस पहाड़ के और क्लोज जाना है। मैं अपना एक्साइटमेंट लेवल आपको बता नहीं सकता हूँ, सो आई एम रियली एंजॉइंग। और देखते हैं बाकी, नो आइडिया वेयर आर वी। ये तोश गांव जो है हिमाचल में, वहाँ से बस हम एक्चुअली आई थिंक अबाउट 3 किलोमीटर्स अवे। अब यहाँ पे के बाद गाड़ी नहीं जाती है, तो हमें अब पैदल चलना है इस पहाड़ियों के साथ। आर यू एक्साइटेड श्वेता? ओह माय गुडनेस, आई थिंक आई कांट एक्सप्रेस माय एक्साइटमेंट। हिमाचल का ये गांव है जिसका नाम है तोश विलेज, और हम पहुँच चुके हैं, अब हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा बिकॉज जिस कैफ़े में या जिस होटल में हम रहने वाले हैं इज़ रियल फार एंड देर इज़ नो अदर ऑप्शन पैदल चलने के रास्ते के। तोश विलेज में व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, चाहे वो 2-व्हीलर हो या फिर 4-व्हीलर, रास्ते ही नहीं है कि आप कोई भी व्हीकल लेके अंदर आ सकें। सो जो एंट्री पॉइंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, अगर आप अपनी बाइक या कार रेंट करके आते हैं ऑब्वियसली वो आपको वहीं ड्रॉप कर देगा, और अगर आप खुद से हायर करके आते हैं तो आपको वहीं अपनी 2-व्हीलर छोड़ के बाकी वॉक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे ग्रुप में टोटल 19 लोग हैं इस बार, और ये ग्रुप को जो हेड कर रहे हैं हिज नेम इज़ मुकुल, आने वाले वक्त में मैं आपको मुकुल से भी मिलाता हूँ। जर्मन बेकरी एंड कैफे, किस तरफ जाना है हम लोगों को? नाम क्या था? पिंक फ्लॉयड था ना? ब्लू डायमंड। ब्लू डायमंड भैया किस तरफ है? इस रास्ते से। चलिए आप आ जाइए पहले। थैंक यू। सीधा जाना है ना? ठीक है। पिंक फ्लॉयड की बोर्डिंग हमें दिख गई मेरे पास, मगर इन्फॉर्मेशन गलत थी, सो हम पिंक फ्लॉयड में नहीं, हम ठहर रहे हैं प्लेस इज कॉल्ड ब्लू डायमंड। Hi. और ये रहे हमारे ट्रैकिंग गैंग के मेंबर्स। होटल ब्लू डायमंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये तोश विलेज की लास्ट पॉइंट है, लास्ट विलेज, और इनकी किसी भी होटल रूम से व्यू ऐसा है। तोश विलेज में होटल के ऑप्शंस आपको लिमिटेड ही मिलेंगे, एंड इफ़ यू रियली वांट अ प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी इशू ना हो, ऑप्शंस आर रियली लेस, सो पिंक फ्लॉयड इज़ वन ऑफ देम।
एंड होटल ब्लू डायमंड में इनके खुद के जनरेटर हैं और रूम में गीजर भी हैं. लुकिंग एट द टेम्परेचर आई थिंक इट इज़ अ फैंटास्टिक डिसीजन टू टेक अप अ प्लेस जिसमें बेसिक अम्यूनिटीज मिल जाए, स्पेशली ट्रैक से वापस आने के बाद अगर गर्म पानी मिल जाए पैर डुबाने के लिए. मीट आशीष. एब्सोल्युटली द नेम इज ब्लू डायमंड बट द कलर इज पिंक. ब्लू डायमंड में कमरा कुछ ऐसा है, ये बेड, बेड से ये खिड़की, खिड़की से कुछ आपको मिलेगा ऐसा व्यू, वहां पे छत. व्यू का कमाल यहाँ नहीं है, बहुत थक गया हूँ इतना चल के. व्यू का कमाल अब आपको मैं दिखाता हूँ. कुछ हमें ऐसे जाना है और कैमरे को ऐसे घुमाने का. व्यू कैसा लग रहा है इस रूम का? मेस्मराइजिंग ना. अभी हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल की तरफ विच इज़ इन कसौल, सॉरी विच इज़ इन तोश विलेज. सो इट्स कॉल्ड तोश का वाटरफॉल एरिया. और हमारे साथ इस टूर में है स्वप्नील, दक्ष, शोभित, तिहांशु, सृष्टि, संगीता, जतिन, श्वेता, सुचेता, साक्षी, नैना और मुकुल जो इस टूर को लीड कर रहे हैं. आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम मिस कर गया हूँ इसमें से. अगर आप चाहते हैं तो इन्हें इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर सकते हैं. ये तोश विलेज का वाटरफॉल का एरिया है. यहाँ पे थोड़े बहुत कैफ़े हैं क्योंकि आप यहाँ से खाना कलेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ चाहते हैं तो. इसके ऊपर जो जगह है जहाँ से माउंटेन का 360 वाला व्यू मिलता है आपको, उस जगह पे जाने के लिए इट टेक्स अनदर 1 आवर. इट्स अबाउट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. तो अभी डिसीजन यही हो रहा है कि ग्रुप में कि हम सब वहाँ पे जाएं कि नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत स्टिप है. मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता वो स्टिप रास्ता, बट इट्स एक्सट्रीमली स्टिप. मैं ऊपर जाते वक्त अगर सब ने प्लान हाँ कह दिया तो हम लोग ज़रूर जाएंगे. सो दैट प्लेस इज़ कॉल्ड कुटला या कुटला. हमें कुटला जाना है. तो बेसिकली जो ट्रैकर्स होते हैं वो कुटला में जाके वहाँ पे टेंट बना के रात को रह सकते हैं. ये है कुटला का ऑप्शन. सो आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट 50% ऑफ द ग्रुप मेम्बर्स सबने कहा कि हम अगेन ऊपर जाएंगे. एंड हियर वी गो. हम ऊपर की तरफ निकल चुके हैं. टेम्परेचर बहुत लो है इसीलिए GoPro की बैटरी बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही है. मैं पूरा शूट तो नहीं कर पाऊंगा बट आई विल बी शूटिंग छोटे छोटे क्लिप्स. लेट्स गो. एक छोटा सा कैफ़े है यहाँ पे. कैफ़े मतलब कि एक छोटी सी दुकान है. फाइनली समहाउ वी मैनेज्ड और यहाँ तक पहुँचे हैं. मेरी GoPro की बैटरी इज एक्सट्रीमली लो. पता नहीं आने वाले वक्त में शूट कर पाऊँगा कि नहीं, देखते हैं. आई विल ट्राई. अभी स्विच ऑफ करता हूँ GoPro को. स्पेयर बैटरी कैरी भी नहीं कर रहा. नेचर की ब्यूटी देखिए, ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग की हो. एकदम से एक व्यू देखने को मिला. फाइनली कुटला के पीक पे पहुंच चुके हैं और पीछे आपको जैसे दिख रही होगी बर्फ. सो हैप्पी टू सी दिस व्यू. बहुत ट्रैक करके आना पड़ा बट आई फील दिस इज वर्थ दिस कंप्लीट आइस. अभी एडिट करते हुए पता चला कि GoPro में मुकुल की फुटेज बहुत ही कम है. इट्स ऑल ऑन इंस्टाग्राम रील्स. आप वहाँ पे जाके भी मुझे देख सकते हैं @IAMCosty. मीट मुकुल जो श्वेता के पीछे है. दैट्स मुकुल जिसकी वजह से हम ये ट्रैक सक्सेसफुली एंड सेफली कर पा रहे हैं. थैंक यू सो मच. चैप्टर ओवर यार. यहाँ से निकल रहे अब हम बैक टू रिसोर्ट इन कसौल. नॉट इन कसौल एग्जैक्टली, तोश विलेज. GoPro में बैटरी एकदम नहीं है मगर ये व्यू ना, सोचा एक बार फट से ऑन करके आपको दिखाऊं. मेस्मराइजिंग है कि नहीं बताइए, है ना श्वेता? कैसे लगा गिर के? बहुत दर्द हो रहा है मेरे दोनों डंडियों के लिए. पहाड़ आया और मैगी ना खाए ऐसा हो नहीं सकता. सो वी गॉट सम मैगी एंड ब्लैक टी. तोश विलेज का रात का माहौल कुछ ऐसा है. मेजॉरिटी क्लब में यहाँ पे म्यूजिक में साइड ट्रांस बचता है. द रीजन इज ऑब्वियसली यू नो. और श्वेता पैर का दर्द बहुत. आई एंजॉय मैगी. ओह टोटली.
पहाड़ों वाली मैगी। इतना चले हैं हम लोग आज, इतना चले हैं अभी इस टाइम पे। एज यू कैन सी आई जस्ट शो यू, स्टे देयर ओके। दिस इज माई लोकेशन। ओ माई गुडनेस, द टेम्परेचर इज -3। ओके, सो डे 2 गेट्स ओवर इन फ्यू आवर्स। डे 3 कल शुरू होगा विद द मेस्मराइजिंग व्यू मेरे पीछे, जो अभी कम्प्लीटली अंधेरा है। एंड मिलते हैं फिर कल सुबह की तरफ, और अगर रात में कुछ हुआ तो ऑब्वियसली आई विल कैप्चर। सी यू, बाय। आफ्टर दिस ब्रेक, फ्रेश होने के बाद वी हैड अ ग्रेट टाइम नीचे कैफे में। वी प्लेड म्यूजिक, वी हैड फूड। हालांकि मैं शूट नहीं करवाया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम नीचे डांसिंग एंड एंजॉयिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर चैनल के यहाँ तक आ ही गए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, विच इज़ द नेक्स्ट डे। सुबह उठने के बाद हमारा ट्रैवल प्लान शुरू हो जाता है दोस्त से मणिकरण, एंड मणिकरण से मनाली।